History seems to be repeating itself in Kashmir. Recently, there have been targeted attacks against the non-locals living in the valley. 11 people have been killed in the last 2 weeks. Migrant workers in Kashmir are leaving the city. Hello guys, welcome to Viewpoint. और इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर में हुए टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग्स के बारे में। ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह माइनॉरिटीज और नॉन कश्मीरी लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 11 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, जिसमें कई बिजनेसमैन, कई वेंडर्स और हमारे आर्मी के कई जवान शामिल हैं। सो मैं वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूँगा हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के एक कोट के साथ, जिसमें उन्होंने बताया है कि नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का एक क्रिटिकल रोल रहने वाला है। जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो रीसेंट इवेंट को डिस्कस करने से पहले हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री समझते हैं। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश रूल के अंडर 1846 से 1952 तक। आप राइट साइड में क्लियरली देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का फ्लैग और ब्रिटिश लोगो। जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट बना था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, जो पहले सिख एम्पायर का पार्ट था। नाउ फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन था, या तो वो इंडिया में मर्ज हो जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। उस टाइम के जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने डिसीजन लेने में लेट कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया में मर्ज होने का हिस्टोरिक डिसीजन लिया। आप राइट साइड में उस टाइम की न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। जब तक इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। हमने जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा दिया, जिसे हम आज भी POK बोलते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जब भी POK का मेंशन करें तो हमेशा पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलें, क्योंकि पाकिस्तान ने वो एरिया इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है जो इंडिया को बिलोंग करता है। आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का कितना बड़ा एरिया इतने सालों से इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है कश्मीर में हुए 70 सालों के वायलेंस के पीछे। पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, हथियार और पैसे दिए, और साथ ही साथ उन्हें जिहाद का भी पाठ पढ़ाया। इंडियन सैटेलाइट्स के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 90 से भी ज़्यादा आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं। इंडियन एजेंसी रॉक के मुताबिक पाकिस्तान इन आतंकी कैंप्स को चलाने के लिए हर साल $250 मिलियन तक खर्च करता है। ISI इन आतंकवादी कैंप्स को फंड करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, नकली करेंसी और ड्रग्स बिजनेस का सहारा लेता है। आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं कि कश्मीर में सिचुएशन किस हद तक खराब रही है इन 70 सालों के दौरान। जम्मू कश्मीर में रहे आतंकवाद का एक बहुत बड़ा रीजन उनका स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A भी रहा है। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 17 अक्टूबर 1949 में ऐड किया गया। इस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और अपने लॉज बनाने की आज़ादी मिली। इन आर्टिकल्स की ही वजह से अदर स्टेट्स के पर्सन जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट नहीं बन सकते थे। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं पिछले 10 सालों में कश्मीर में किस हद तक वायलेंस हुआ है। आप इस टेबल से बेहतर समझ पाएंगे कि सिचुएशन 1989 से 2018 तक जम्मू कश्मीर में किस हद तक खराब रही है। जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। 1 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग्स और घरों को डिस्ट्रॉय किया गया है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं और 11,000 से भी ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर किए गए हैं। सो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले तक किस हद तक का वायलेंस हुआ है।
फिर आता है 6 अगस्त 2019 का हिस्टोरिक दिन, जब आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया, जो कि काफ़ी बोल्ड स्टेप था। इंडिया ने बहुत से फोरम से क्रिटिसिज्म फेस किया, पर हमने अपना स्टांस नहीं बदला। होम मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग टेरर एक्टिविटीज़ में 59% तक की गिरावट आई है। वायलेंस और सिविलियन किलिंग्स अपने हिस्टोरिक लो पर पहुंच गई है। अब अदर स्टेट्स के लोग फ्रीली जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टीज़ और लैंड खरीद सकते हैं। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि 2019 के बाद सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री किलिंग्स में बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है। नाउ जम्मू कश्मीर में हो रहे इन डेवलपमेंट्स को देखकर हमारे पड़ोसी को मिर्ची लग गई, तो इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना सिविलियंस को ही टारगेट बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि ये कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में धार्मिक हिंसा को भड़काया जाए और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही कि जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। सिविलियंस को टारगेट करना इजी होता है मिलिट्री के कंपैरिजन में, इसीलिए इस बार वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड मीडिया इसको कवरेज दे, ताकि पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ जाए कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने से कोई भी चेंजेस नहीं हुए। गवर्नमेंट ने इन किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन NIA को सौंप दी है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि इन टारगेटेड किलिंग्स को किस तरह रोका जा सकता है। गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे यंग लोग पैसे के लालच में आतंकवादी न बन जाएं। गवर्नमेंट को र्यूमर्स पर कंट्रोल करना होगा और सोशल मीडिया पर काफ़ी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी आतंकवादी भारत पर ना आ सके। जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नमेंट कन्विंस कर सकती है कि वो उनके डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट को नौजवानों के अंदर देश के प्रति प्यार की भावना जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं इंडियन आर्मी की कश्मीर के लोगों के साथ। नाउ इंडिया इस इशू के रिगार्डिंग वर्ल्ड फोरम में क्या कर सकता है? हमें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ मिलकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करना होगा। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने वाली कंट्रीज के साथ टफ स्टांस लेना चाहिए। गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना चाहिए। इंडिया यूनाइटेड नेशंस को कन्विंस कर सकता है कि टेरर फाइनेंसिंग करने वाले देशों पर टफ स्टांस रखना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ये न्यूज़ आई कि दुबई गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हमें जम्मू कश्मीर में ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी इंडियन आर्मी को, जो बॉर्डर्स पर हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलती है। वी लव यू ऑल। वीडियो एंड करना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ कि शांति जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।